हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिल्म बफ। तो आज मैं आपके पास में एक ऐसी फिल्म लेके आया हूँ जिसके मैंने काफी अच्छे रिव्यू सुने थे। टाइटल तो आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, द होल इन द ग्राउंड। क्रिटिक्स ने भी बहुत अप्रिशिएट किया इसे, एंड कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये फिल्म ओवररेटेड है। 2019 में रिलीज हुई है फिल्म और मैं इसे काफी टाइम से देखना चाहता था, क्योंकि मैं भी देखना चाहता था कि इतने अच्छे रिव्यूज अगर आ रहे हैं तो वो फिल्म में ऐसा क्या है। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक बोला था कि ये कल्ट क्लासिक, पर मैं आपको बताना चाहूँगा जब मैंने इस फिल्म को देखा तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट हुआ, क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी ओवररेटेड फिल्म है और काफ़ी स्लो है। और टू सम एक्सटेंट मुझे लगता है 1.5 घंटे की मूवी होने के बावजूद भी ये काफ़ी बोरिंग और स्लो है। आपको ऐसा लगता है कि आपने शायद 3 घंटे की मूवी देख ली है। तो आइए इस फिल्म के बारे में थोड़ी बात करते हैं। मैं आपको कुछ इस फिल्म के बारे में बताता हूँ। यह हमारा सेक्शन है फिल्म बफ वॉन्स, तो मैं इस फिल्म के बारे में आपको वॉर्न करने आया हूँ। फिल्म कहानी है सैरा और उसके बेटे क्रिस की। सैरा का उसके हस्बैंड से सेपरेशन हो गया और उसके बाद में वो आयरलैंड के एक आइसोलेटेड टाउन में जाके शिफ्ट होती है। उसके बाद में वो रियलाइज करती है कि उसके घर के पीछे जो एक फॉरेस्ट है उसमें एक बहुत बड़ा होल है। फिर वो एक जॉब ले लेती है और अपने बेटे के साथ में अपने दिन गुजारती है। एक रात उसका बेटा गायब हो जाता है और वो बहुत परेशान हो जाती है। थोड़ी देर बाद वो वापस भी आ जाता है, मगर अगले दिन से ही उसे ऐसा लगने लगता है कि उसके बेटे की जो नॉर्मल हैबिट्स हैं वो चेंज हो गई। जैसे उसे जिस तरीके का खाना पसंद नहीं था वो उस तरीके की चीज़ें अब एंजॉय करता है। वो हर समय भूखा रहता है। उसको डाउट होने लगता है कि शायद उसके बेटे की जगह किसी और ने ले ली है, शायद कोई डॉपलगैंगर। तो यही जो उसका स्ट्रगल है इसी के बारे में पूरी स्टोरी। स्टोरी मैं सच बताऊं तो काफ़ी अच्छी। आप भी ये स्टोरी सुन के सोच रहे होंगे कि काफ़ी अमेजिंग एक हॉरर थ्रिलर इससे निकल सकती है, पर मूवी में यही गड़बड़ हो गई, क्योंकि जो इसका स्क्रीन प्ले है वो इतना स्लो है कि आप एक जगह पे सोचते हैं कि ये फिल्म अभी तक मुद्दे पे क्यों नहीं है। क्योंकि 30-40 मिनट की जब मूवी निकल भी जाती है तब भी आपको ऐसा लगता है कि यार अभी तक फिल्म पॉइंट पे क्यों नहीं आई। इन्होंने बहुत कोशिश करी है कि मॉम एंड सन का एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप, उनके बीच की केमिस्ट्री दिखाएं, मगर ये दोनों एक्टर्स के बीच में केमिस्ट्री नज़र ही नहीं आती है। इन्होंने जो पूरी मेहनत वो बिल्डअप में रखी जहाँ पे एक मॉम और सन का रिलेशनशिप दिखाएं, वहाँ पे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि वो शायद वेस्ट गई। अब इस फिल्म के बारे में कुछ और बताना चाहूँगा मैं आपको। जैसे इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी बहुत अच्छी, इसके पॉजिटिव पॉइंट्स में से एक है इसकी सिनेमाटोग्राफी। वैसे भी आयरलैंड एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, सिनेमाटोग्राफर बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को स्क्रीन पे लेके आए। एक्टिंग की बात करी जाए तो जो चाइल्ड एक्टर है जेम्स क्विन, वो मैं पिछले कई सालों में मैंने जितने भी चाइल्ड एक्टर्स को परफॉर्म करते हुए देखा है ये शायद उनमें से सबसे अच्छी परफॉर्मेंसेस में से एक है। दिस पर्सन हैज सो मच टू ऑफर। आप ये सोच सकते हैं कि अगर वो इस उम्र में इतनी अच्छी एक्टिंग कर रहा है तो शायद कुछ टाइम बाद में जाके He'll do wonders। सारा का कैरेक्टर प्ले कर रहा है शोना कर्सलिक ने, एंड समाओ ये डायरेक्टर का इनपुट था या फिर कुछ और मुझे मैं कह नहीं सकता, पर शुरू से लेके आखिरी तक उनका सिर्फ एक ही रिएक्शन था, चाहे खुशी में चाहे शौक में चाहे दुख में, वो हमेशा शॉक्ड ही लग रही हैं। एडिटिंग और डायरेक्शन इस फिल्म के सबसे वीक पॉइंट्स की तरह गिने जा सकते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने जो कोशिश करी है एक बहुत ही कल्ट क्लासिक मूवीज लाइक शाइनिंग, उनकी तरह एक बिल्डअप देने की कोशिश करी है, मगर वो मूवीज कहीं जा रही थी। उनका एक पॉइंट था जो उनको एक्सप्लोर करना था, उन्होंने कैरेक्टर्स एस्टैब्लिश करे थे स्लो बिल्डअप से, पर ये स्लो बिल्डअप इस मूवी में ऐसा लगता है कि जैसे ये कहीं भी नहीं जा रही है, हम जबरदस्ती बिना बात इस मूवी को देखते जा रहे हैं। हम इसको थोड़ा फाइन कट कर सकते थे, और मुझे लगता है कि अगर इसको फाइन कट किया जाता तो शायद ये मूवी अभी 20 मिनट्स और कम हो सकती थी इसकी ड्यूरेशन। अब इसी स्ट्रगल के साथ में आप ये सोचते हैं कि चलो इतना अच्छा बिल्डअप दिया ओके, पर आखिरी में जाके क्लाइमैक्स में एक बहुत ही अच्छी स्ट्रगल देखने को मिलेगी, पर ऐसा नहीं होता। आखिरी में इन्होंने बहुत ईज से सब चीज़ें एकदम ख़त्म कर दी, एकदम बहुत ही कन्वीनियंस से। मैं आपको स्पॉयलर्स नहीं दूंगा इधर,
मगर सारा का जब स्ट्रगल दिखाया गया क्लाइमेक्स में, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें दिखाई नहीं गई कि उसने वो चीज करी तो करी कैसे। वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वहां पे, हमें दिखना चाहिए था कि हाँ यहाँ पे टेंशन बिल्डअप हो रहा है, यहाँ पे थोड़ा हमको दिखा सकते थे कि यहाँ ऐसा किया जा रहा है, यहाँ पे ये स्टेप्स लिए उसने, यहाँ पे ये एक्सट्रीम स्टेप्स लिए, जहाँ पे उसकी लाइफ भी एकदम स्टेक पे थी, पर नहीं ऐसा कुछ नहीं किया। और बहुत सारे चीजें तो ऐसी लगती हैं कि बहुत ईज पे हो गई, जब वो एक बहुत ही स्ट्रांग एंटिटी से लड़ रही है तो वहां पे एक स्ट्रगल दिखनी चाहिए कि उसने उस एंटिटी को हराया तो हराया कैसे। अब उसको 5 मिनट के अंदर रैप अप नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि शायद फिल्म मेकर्स ने बहुत ही गलत डिसीजंस लिए हैं बॉचकॉ पे, और इसको थोड़ा और बेटर किया जा सकता था। तो मैं तो सिर्फ ये कहूंगा कि आप रिव्यूज पे मत जाइए, इस फिल्म को आप अगर अवॉइड भी करते हैं तो आप बहुत ज्यादा मिस नहीं करेंगे। That's all for today, guys. हम फिर आएंगे एक नई फिल्म के साथ, तब तक हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। Have fun and be safe. Please like, share and subscribe.